सेक्शन 13 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट को जब नहीं दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा वो क्या हालात होंगे। अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर और एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल एक्सेप्ट। बाहर के मुल्क में अगर कोई केस चला है और उसमें वही पार्टीज़ हैं जो केस में होनी चाहिए थी और वो जिस मामले के लिए चला है वो भी वही था और वो दुरुस्त तौर पर चलाया गया है, तो हम उसको, पाकिस्तानी अदालतें उसको मानेंगी। तो कब नहीं मानेंगी? जब जिस अदालत ने वो फैसला किया हो कॉम्पिटेंट ना, उस अदालत फैसले को अनाउंस करने की जो है वो मजाज ना हो, या मेरिट पर वो केस का फैसला ना किया हो, या देयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ पाकिस्तान इन केसेस इन विच सच लॉ एप्लीकेबल, या ऐसे मामलात को जो बादिल नज़र में ये जाहिर हो के की जाने वाली जो कार्रवाई है केस में वो बैनुल क़वामी कानून के किसी गलत फैसले या पाकिस्तान के कानून को मानने से इनकार पर मबनी हो, जहां ऐसे मुकदमात में कानून लागू होता है, या कोई ऐसी कार्रवाई अगर फॉरेन जजमेंट में की हो जिसमें फितरी इंसाफ के बरखिलाफ कोई फैसला किया हो, या कोई धोखादही से कोई फैसला किया गया हो, जहां ये पाकिस्तान में किसी कानून की खिलाफ वर्जी के बिना पर किए गए किसी दावे की तौसीक करे, यानी कि पाकिस्तानी कोर विट इट सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड इन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इनफोर्स, पाकिस्तान में जो कानून है उससे हटकर कोई फैसला किया गया हो, तो वहाँ पर भी फॉरेन जजमेंट जो होगी, डिग्री या जजमेंट होगी, उसको दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, ये हमने देखा इस सेक्शन 13 सिविल प्रोसीजर कोड में कि अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज आर बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर और ऑन दे बाय क्लेमिंग लिटिगेटिंग, यानी कि ऐसी जजमेंट, फॉरेन जजमेंट जिसका बराह रास्त ताल्लुक उन्हीं पार्टीज के दरमियान हो जिनके मुतल्लिक वो केस लड़ा गया हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।